इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वसई से सामने आ रही है, जहां वसई चिंचोटी स्थित एक कंपनी में आग लगी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। मिली प्राथमिक जानकारी अनुसार जिस कंपनी में यह आग लगी वह थर्माकोल की बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुट गई। हालांकि यह आग किस कारण लगी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दिन के उजाले में यह भीषण आग लगी है और हर जगह धुएं का अंबार पसर गया है। इस बड़ी आगजनी में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, परंतु सवाल ये कि आखिर वसई में बड़े पैमाने पर यह थर्माकोल की कंपनी कैसे चल रही थी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को ही थर्माकोल बनाने, उसका भंडारण करने तथा खरीदी और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी वसई में यह थर्माकोल की कंपनी धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन शासन तथा प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जा रहा था। जिस तरीके से प्रतिबंधित अम्लीय पदार्थ, प्रतिबंधित प्लास्टिक और अब प्रतिबंधित थर्माकोल नाला सुपारा वसई विरार के इलाकों में धड़ल्ले से उपलब्ध है, उससे ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आप भी किसी प्रतिबंधित वस्तु का अवैध रूप से व्यापार करना चाहते हैं तो नाला सुपारा वसई विरार आपके लिए एकदम सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई आँख पर पट्टी बांध और कान में रुई डालकर की जाती है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट।